पद्मश्री विभूषित 127 वर्षीय स्वामी श्री शिवानंद जी ने पूज्य बापूजी के गंभीर स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं खुद होम मिनिस्ट्री में लेटर लिखूंगा। बापू के सम्मान में, हरनारी मैदान में। आचार्य जी के जितने शिष्य हैं, एक की व्यवस्था दी गई है। अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। बापूजी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है कि एक दिन की, 11.5 साल हो गए बापूजी को, एक दिन की भी राहत नहीं तक नहीं दी गई बापूजी को। अभी राम राज्य लाने के लिए आसाराम बापू को बाहर आना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री से यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप इसमें इंटरवीन करें, आप इसे स्वतः संज्ञान में लें, क्योंकि 11 वर्षों से एक संत परेशान है और बापूजी ने जो समाज के लिए किया है वो किसी से भी छुपा नहीं है। अगर अपनी देश की हानि को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है, तो निर्दोष संतों को रिहा करना ही चाहिए। ये तो स्पष्ट है, मैं तो कभी उनसे मिली नहीं, कभी उनका कोई प्रवचन सुनने गई नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, बट आई हैव स्टडीड द केस। बिल्कुल बकवास केस है, झूठा फंसाया गया। बापूजी का हीमोग्लोबिन 3.7 पहुंच गया था, ICU में एडमिट थे, इतनी सीवियर कंडीशन थी बापूजी की, लेकिन उस समय भी बापूजी के साथ बायस्ड बिहेवियर हो रहा था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा प्रार्थना है कि जल्द से जल्द न्याय हो बापूजी को और वो जल्द से जल्द रिहा हो गया। न्याय की जो सीमा होती है वो पार हो चुकी है। ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को कोई छू दे और वो लड़की बोले कि इसने मुझे छुआ, उसको उठा करके आप जेल में डाल दो, वो जेल में रह करके ये सिद्ध करेगा कि हम निर्दोष हैं। ये कहाँ का एक्ट है? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो वो पुरुष भी तो कितनी सारी महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, क्या वो पीड़ित नहीं होगी? ये कौन सा महिला सशक्तिकरण के ऊपर को बचाने वाला या महिलाओं को सशक्त करने वाला ये कानून और एक्ट है? तो सबसे पहले तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है। एक लड़की के झूठे बयान की वो वेदवाद की मान लिया न्यायालय ने, तो बापूजी को आजीवन कारावास दे दिया है। हम करोड़ों महिलाएं जो बोल रही है कि बापूजी निर्दोष है, तो हमारी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? बापूजी की रिहाई हमें चाहिए इस केस से, क्योंकि उससे कम कुछ नहीं, क्योंकि 11 साल से ऊपर हो गए हैं आज और वो निर्दोष होने के बाद भी इतना ज्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है। कोर्ट में जो भी कन्विक्शन हुआ सिर्फ एक लड़की की स्टेटमेंट पे हुआ, जो बिल्कुल झूठी स्टेटमेंट थी। ऐसे हमारे पास कई प्रूफ हैं जिससे सिद्ध होता है कि बापूजी इनोसेंट हैं। जब तक रिहाई नहीं मिलेगी तब तक हम इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। आपने तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल साजिश बापूजी के लिए की गई है, और अब जो बेल नहीं मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कहीं बापूजी के जान को तो खतरा नहीं है, वो लोग बापूजी के प्राण के पीछे तो नहीं पड़े हैं जो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी उनको बेल नहीं मिल रही है। बापूजी के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगने के बाद में कितने सारे ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगा, सिद्ध हो गया, आज वो फ्री घूम रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने ऐसा कौन सा अपराध किया है? अगर आप सही सही एनालिसिस कीजिए तो एक भी अपराध सिद्ध नहीं होगा। लेकिन कहीं से कहीं हम तक हमको सरकार के द्वारा, न्याय व्यवस्था के द्वारा हमको न्याय नहीं मिल रहा है। जो संस्कृति के रक्षक है उन्हीं को आज जेल में डाल दिया है, यह बहुत ही गलत है। हमारा निवेदन सरकार तक पहुंचे। इन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है, बापूजी इनको भले ही क्षमा कर दें लेकिन परमात्मा माफ कर दे। हम नारियों को नारायणी बनने का मार्ग हमारे बापूजी ने दिखाया है, तो आज हमें बहुत पीड़ा है कि जिन्होंने अपना सारा जीवन संस्कृति की रक्षा के लिए निकाल दिया उनको अभी तक जेल में रखा गया है। आज जो संत देश की रक्षा कर रहे हैं उनको आप जेल में रख के बैठे हैं, इससे उनको कोई हानि नहीं है, हानि हमारे देश को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय में बापूजी का स्वास्थ्य जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति में है, बापूजी को कितनी बीमारियां
बीमारियों से बापूजी ग्रस्त हैं, कितनी बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 11 साल हो गए हैं 86 वर्षीय संत श्री आशाराम जी बापू के साथ न्याय किया जाए। हम सरकार को, समाज को, न्याय व्यवस्था को जगाना चाहते हैं कि हद हो गई है, हद हो गई है। सरकार को ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे हमारे बापूजी ने कितने सारे संस्कृति, मतलब अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कितने सारे काम किए हैं। बापू जी एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, इसीलिए बीमार होने के बाद भी उनको एक दिन की भी पेरोल नहीं मिलती है। लगता है कि फेक खबरों के द्वारा किसी को भी बदनाम किया जा सकता है, जिस तरह से आसाराम बापू को भी बदनाम करने की कोशिश मुझे लगता है कि हुई है। बापू आसाराम को अब सपोर्ट कीजिए, समय आ गया है कि फेक खबरों का जाल तोड़िए, क्योंकि इस दुनिया में पहले भी फेक खबरें चलाई जाती रही हैं बेकाऊ लोगों के द्वारा।